जी हां, लोगों की यही है गुहार, इलाज करा दो सरकार। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जिलों से, जहां पर लोग इलाज के अभाव में भटक रहे हैं, या तो दम तोड़ रहे हैं या उनकी हालत गंभीर हो जा रही है। फतेहपुर से खबर है सामने आई है, जहां जिला अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली है, जहां अस्पताल के गेट पर घंटों गर्भवती महिला जो है वो तड़पती रही। डॉक्टरों ने गर्भवती महिला का इलाज नहीं किया, ना उसे एडमिट किया। महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे की मौत हो गई। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थरियाव थाना इलाके की रहने वाली महिला जो है वो बताई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फतेहपुर की ये तस्वीर है, देखिए किस तरह की यहाँ संवेदनहीनता कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है। गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी होने वाली थी और पीक टाइम था, अस्पताल के बाहर वो पड़ी रही, लेकिन अस्पताल के भीतर उसे एडमिट नहीं किया गया और आखिरकार उसने बच्चे को वहीं जन्म दिया और कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है और महिला के पति का क्या कुछ कहना है, दोनों का वर्जन आपको सुनवाते हैं। कोई देखने वाला नहीं है इस अस्पताल के अंदर, मरीज मेरा मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है अस्पताल के अंदर। सरकारी लोग, कर्मचारी लोग क्या मर गए हैं? फिर क्या बच्चा बाहर हो जाता है? बच्चा बाहर हो गया है, देखिए अभी तक कोई देखने वाला नहीं है। वो मरीज पड़ा हुआ, देखिए मरीज खुद ही देख रही है अपनी को। बच्चा जो है मूवमेंट्स लगभग 2-3 दिन से नहीं कर रहा था, और वो महिला कह रही थी 3 महीने से भी उसको जांच नहीं हुई थी, और कोई जो है कोई जांच इधर नहीं कराई थी, और ना ही मूवमेंट पता चल रहा था। तो बच्चा उसका लगभग मैसेरेटेड निकला, आईयूडी बच्चा मरा हुआ था पेट में, और वो नॉर्मल प्रसव वहीं पे हो गया करते। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, इतनी संवेदनहीनता, अस्पताल के बाहर महिला जो है गर्भवती महिला तड़पती रही, लेकिन अस्पताल के भीतर उसे एडमिट तक नहीं किया गया। बाद में कितनी भी बातें कर ले डॉक्टर्स, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दे, लेकिन इतनी संवेदनहीनता। डॉक्टर तो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि किसी भी कंडीशन में वो मरीज का इलाज करेंगे, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर। आपको बता दें, बिल्कुल ये बड़ी ही भयानक तस्वीर है। एक गर्भवती महिला अस्पताल के बाद तड़पती रही और तड़प तड़प कर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की हालत, शायद अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिलता तो बच्चा बच सकता था। दूसरी चीज आपको बता दें कि इस पूरे मामले ये महिला के गांव की आशा बहू ने सरकारी एम्बुलेंस को फोन किया। जब सरकारी एम्बुलेंस को फोन किया तो वहां से ये जवाब मिलता है कि कोई भी एम्बुलेंस खाली नहीं है, जबकि आपको बता दें कि जिले में जो सरकारी एम्बुलेंस सेवा है वो सिर्फ इसी पर ज्यादा जोर देती है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सही इलाज और वक्त पर अच्छा इलाज मिले, जिसके लिए पूरा प्रशासन और पूरा महकमा लगा हुआ है। इसके बावजूद उसको जब इलाज नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली, तो महिला का पति बाइक से उसको लेकर अस्पताल आया। अस्पताल आने के बाद उसको अल्ट्रासाउंड के लिए इन्होंने बाहर भेज दिया। इस नाजुक हालत में, एकदम पीक आवर था ये, कि अगर उसको भर्ती किया जाता, ट्रीटमेंट किया जाता, शायद वो बच सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इसको अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेज दिया। अस्पताल से बाहर जैसे ही परिजन लेके गए और गेट पर महिला की अचानक हालत बिगड़ गई और उसने वहीं गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। वो तड़पती रही लेकिन कोई भी स्टाफ देखने के लिए नहीं आया। जी अवनीश, ऐसा वक्त नहीं है, कोरोना काल चल रहा है और हम एक तरफ डॉक्टर्स को सल्यूट कर रहे हैं जिस तरीके से COVID-19 के पेशेंट को डील कर रहे हैं, जिस वक्त सिचुएशन को डील कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अमानवीय तस्वीर जब सामने आती है तो जो बच्चे की मौत हुई है, क्या ये मर्डर चार्जेस अस्पताल प्रशासन के ऊपर नहीं लगने चाहिए? जी देखिए, आपको बता दें कि जिला अधिकारी को जैसे ही इसकी भनक लगी वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने इसमें एक कमेटी गठित करके तुरंत जांच बैठा ली है। और बात बता दें आपको कि ये एकलौता फतेहपुर का सरकारी अस्पताल है और COVID-19 को लेकर एकदम अलर्ट मोड पर एक टीम वहां अस्पताल के गेट पर मौजूद भी रहती है, जिसमें एक फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, अस्पताल आने जाने वालों की जाँच करते हैं। उसके बावजूद ये महिला बाहर तड़पती रही, और बिल्कुल आप सही कह रही है कि इस पे जाँच होनी चाहिए। सारी जांच अब डीएम ने बैठा ली है, उनका कहना है कि इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश, तमाम जानकारी के लिए।